दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों, अगर आपने एलिस ब्लू में अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है और अब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसमें फंड ऐड करना होगा। एलिस ब्लू में फंड कैसे ऐड किया जाता है, चलिए मैं आपको फंड ऐड करके दिखा देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एलिस ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। अभी आप एलिस ब्लू में अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिस ब्लू मोबाइल ऐप को ओपन करेंगे और इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। अकाउंट में लॉगिन करने पर आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस मिलता है। नीचे राइट साइड में आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अकाउंट सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल सेक्शन में यहाँ फंड्स का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर सब कुछ जीरो है। इसमें फंड ऐड करने के लिए आपको डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर रुपए डालेंगे, आप इसमें जितने भी रुपए ऐड करना चाहते हैं यहाँ उतने रुपए डाल देंगे। आप इसमें कम से कम 50 रुपए ऐड कर सकते हैं। मैं आपको इसमें 1000 रुपए ऐड करके दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ 1000 रुपए डाल दिए हैं। अगर आपने इसमें एक से अधिक बैंक अकाउंट ऐड कर रखे हैं, तो यहां से उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे जिससे आप फंड ऐड करना चाहते हैं। आप जो बैंक अकाउंट यहां पर सेलेक्ट करेंगे, आपको इसी बैंक अकाउंट से रुपए ऐड करने होंगे। अगर आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट से फंड ऐड करना चाहेंगे, तो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाएगी। यहां से पेमेंट मेथड चूज करेंगे, नेट बैंकिंग या UPI। या तो आप UPI से फंड ऐड कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग से फंड ऐड कर सकते हैं। UPI ID से रुपए ऐड करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, जबकि नेट बैंकिंग से रुपए ऐड करने पर 10 रुपए प्लस GST चार्ज लगेगा। UPI के थ्रू आप कम से कम 50 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए ऐड कर सकते हैं, जबकि नेट बैंकिंग के द्वारा आप 1 करोड़ रुपए तक ऐड कर सकते हैं। हम UPI के द्वारा फंड ऐड करेंगे। यहां से UPI चूज करके इसमें UPI ID डालेंगे। यदि आपको आपकी UPI ID नहीं पता है, तो आप जो UPI ऐप यूज कर रहे हैं उसी UPI ऐप में जाकर UPI ID देख सकते हैं। जैसे कि आप गूगल पे ऐप यूज करते हैं, तो आपको गूगल पे ऐप ओपन करके प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। यहाँ आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाना है। आपने गूगल पे में जितने भी बैंक अकाउंट ऐड कर रखे होंगे, वो सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपने जो बैंक अकाउंट एलिस ब्लू में पेमेंट के लिए सेलेक्ट किया है, यहाँ उस बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मैनेज UPI ID पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपकी UPI ID शो हो जाएगी। इसके बाद एलिस ब्लू में जाकर इसमें UPI ID डाल देंगे और प्रोसीड कर देंगे। आप अपने फोन में जितने भी UPI ऐप यूज कर रहे होंगे, यहाँ उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप जिस भी UPI ऐप के द्वारा फंड ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से उस UPI ऐप को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने गूगल पे सेलेक्ट किया है, इसके बाद आप गूगल पे ऐप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ गूगल पिन डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो जाने पर आपको एलिस ब्लू की तरफ से इस तरह की पेमेंट रिक्वेस्ट देखने को मिलेगी। अब यहाँ से उसी बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे जो आपने एलिस ब्लू में सेलेक्ट किया है। इसके बाद पे बटन पर क्लिक करेंगे, इसमें UPI पिन डालकर ओके कर देंगे। ओके करते ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आप फिर से एलिस ब्लू ऐप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। कुछ ही देर में यहाँ पर आपका फंड बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ 1000 रुपए ऐड हो चुके हैं। अवेलेबल मार्जिन 1000 रुपए, ओपनिंग बैलेंस 1000 रुपए। इसी बैलेंस के द्वारा आप शेयर खरीद सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आप शेयर्स को सेल करते हैं, तो वह अमाउंट भी यहां पर ही ऐड हो जाता है। यहां से आप फंड बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप एलिस ब्लू डीमैट अकाउंट में फंड ऐड करना सीख चुके हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।